हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आईपीटी एक्सेस स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारी इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट पावर बीआई। तो पावर बीआई की इस क्लास में हम बात करेंगे कि हम एसक्यूएल सर्वर से कैसे डेटा पावर बीआई में पैच करें। जी हां, आज की क्लास में हम बात करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम एसक्यूएल सर्वर में डेटा कैसे पैच करेंगे। उससे पहले आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं कि आप अगर पावर बीआई सीखना चाहते हैं तो हमारे पास दो मीडियम है। पहला है हमारी ऑनलाइन लाइव क्लास, जो कि इस संडे, जी हाँ, 20 अक्टूबर इस संडे स्टार्ट हो रही है रात को 8 बजे। 8 बजे से 10:30 बजे तक 2.5 घंटे का क्लास होगा हर एक संडे को, और ये लाइव होगा, इंटरेक्टिव होगा, 10 से 12 लोगों के साथ होगा, जिसमें हम हर एक चीज आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसकी फीस मात्र आपको 2000 पे करना होगा, जिसमें कंप्लीट पावर बीआई कवर होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं रिकॉर्डेड कोर्स, तो आपको मेरा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। कैसे करेंगे ऐप डाउनलोड? तो प्ले स्टोर में जाइए, एक्सेल एमआईएस ट्रेनिंग सर्च कीजिए। देखिए, शानदार रेटिंग है, शानदार रेटिंग के साथ हमारा ये ऐप है, इस ऐप में आपको मिलेगा। और जरूरी नहीं कि मोबाइल ऐप ही हो, आप मेरे वेबसाइट को भी लॉग इन कर सकते हैं, वो है app.applicationkaapp.iptindia.com। वहां पे मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से लॉग इन करेंगे तो हमारा कोर्स दिखेगा, जो कि ये है पावर बीआई। पावर बीआई जो रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो रही है, वो सारी रिकॉर्डिंग यहाँ होगी, देख सकते हैं 124 कंटेंट के साथ है, जिसमें न्यू इंटरफेस भी है 2024-25 का, और इसमें हमारा पुराना वीडियोज भी है इससे पहले का। तो जैसे जैसे अपडेट होगा, यहाँ पे अपडेट आते जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, न्यू इंटरफेस का ये 10 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, और 11वां वीडियो ये रिकॉर्ड हो रहा है, जो कि क्लास के बाद अपलोड हो जाएगा। तो फटाफट क्या करें, ऐप को डाउनलोड करें और इसको बाय करें, क्योंकि अभी इसकी जो प्राइस है, अभी इसकी प्राइस आपको कम पड़ रही है, क्योंकि ये अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। जी हाँ, जैसे ये पूरा कंप्लीट होगा, इसकी प्राइस जो है टोटल 3000 हो जाएगी, और आपका बेनिफिट होगा कि जैसे ही कंप्लीट होगा आपको मिलता जाएगा, और ये आपका 5 ईयर का एक्सेस मिलेगा। तो 5 सालों तक आराम से आप सीख सकते हैं, हर साल का अपडेट आता जाएगा और आप सीखते जाएंगे। तो फटाफट कीजिए डाउनलोड, और चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो हम बात कर रहे हैं एसक्यूएल सर्वर की डेटा को पैच करना पावर बीआई। जी हाँ, पावर बीआई में कैसे देखा है, हमने इससे पिछली वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से हम अपना किसी पर्टिकुलर फाइल, चाहे फाइल किसी भी टाइप की क्यों ना हो, डेटा कैसे इंपोर्ट करेंगे। लेकिन अब गेट डेटा में हम पहुंच चुके हैं सर्वर। सर्वर में हम डेटाबेस की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस। एसक्यूएल, ऐसे बहुत सारे डेटाबेसेस हैं, बट मैं बात करूंगा एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस की। अब मैं इसको यहां से कनेक्ट करूंगा। कनेक्ट करने के बाद यहां पूछेगा सिक्वल सर्वर का नेम। अब सर्वर नेम के लिए आपके पास क्लाइंट सर्वर या फिर मैनेजमेंट स्टूडियो होना चाहिए। जब इसको लॉगिन करेंगे तो यहां पे आपको सर्वर का नेम मिलेगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे आईपीटी है और यहाँ पे आपका एसक्यूएल एक्सप्रेस। अब एसक्यूएल एक्सप्रेस जो है वो क्या है, ये आपका सर्वर नेम है, और आईपीटी क्या है, ये पीसी नेम। अब यहाँ पे हो सकता है आपका सर्वर का पाथ। जी हाँ, आपके सर्वर का जो पाथ यहाँ हो सकता है, इसको पूरे के पूरे पाथ विद सर्वर नेम को कॉपी कीजिए। अब यहाँ देखिए, मेरे पास विंडो डिक्लेरेशन है, मतलब कि मेरे पास यूजर नेम और पासवर्ड नहीं है, क्योंकि मेरा ये सर्वर लोकल होस्ट है, बट आपके सिस्टम में पासवर्ड होगा। तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे सर्वर नेम दीजिए। अब फिलहाल मुझे डेटाबेस के बारे में पता नहीं है, तो मैं इसको यहाँ पे छोड़ देता हूँ। देन हम यहाँ पे करते हैं ओके। अब यहाँ पे पासवर्ड नहीं पूछ रहा है, देखिए आपका पासवर्ड पूछेगा शुरुआती में, क्यों? क्योंकि आपका लोकल होस्ट नहीं है तो पूछेगा। अब इसमें बहुत सारे डेटाबेसेस हैं, हर डेटाबेस के अंदर बहुत सारे टेबल्स हैं। जिस टेबल को आपको चाहिए, उस टेबल पे क्लिक कीजिए और उस टेबल का डेटा आप ला सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे
डेटा पे क्लिक किया तो देखिए डेटा आया, मुझे इसी डेटा को लेके लाना। अब इस पे क्लिक कीजिए। अब क्लिक करते ही यहाँ हम लोड पे क्लिक करेंगे, इस पे करेंगे लोड पे। लोड पे जैसे ही क्लिक किया, क्लिक करते ही आप देखेंगे कि थोड़े टाइम में एसक्यूएल से डेटा यहाँ आ गया, आ गया एसक्यूएल से डेटा यहाँ। अगर मैं कुछ बनाना चाहूं, जैसे टेबल बनाना चाहता हूं, मैं एक काम करता हूँ, प्रोडक्ट वाइज टोटल क्वांटिटी में डाल देता हूं, तो आप देखेंगे हर प्रोडक्ट की क्वांटिटी यहाँ आ गई। लेकिन अगर मान लीजिए मेरा सर्वर चेंज हुआ, तो मान लीजिए कि मैं इसको कनेक्ट करता हूँ और डेटाबेस में जाता हूँ, आईपीटी के अंदर, ये रहा हमारे टेबल्स, टेबल में हमारा है एडिट। अब इस पर राइट क्लिक करके मैं एडिट करता हूँ, एडिट टॉप 2000 आया, इसको नीचे लेके गया। अब एक प्रोडक्ट जो है मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। अब यहाँ पे मैं अक्टूबर का मंथ देता हूँ 2024, और इसमें दे देता हूँ क्लासेस, क्वांटिटी मैंने देता हूँ 5, एमआरपी देता हूँ मैं यहाँ पे 2000, और यहाँ पे 10,000 इसकी फी प्राइस हुई और 10,000 पेमेंट हुआ। स्टॉक में 100 है, रिटर्न 0 हुआ, और स्टोर जो है वो हमने यहाँ पे डाल दिया ऑनलाइन, और यहाँ पे स्टोर लिमिट मान लीजिए डाल देता हूँ 100। ठीक है, एंट्री ऐड हो गए। अब इसको यहाँ से क्लोज कीजिए। अब वापस यहाँ पे देखिए, कहीं भी आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है हमारा क्लासेस। अब एक बार मुझे रिफ्रेश करना है, जी हाँ रिफ्रेश, यहाँ देखिए ट्रांसफॉर्म डेटा के बगल में आपको रिफ्रेश दिखेगा, इस पर रिफ्रेश कीजिए। कुछ ही बार रिफ्रेश होगा, आप देखेंगे कि यहाँ पे क्लासेज आ गए, 5 क्वांटिटी के साथ मेरी क्लासेज यहाँ पे दिख गया। तो ये सिर्फ डेटा लेके नहीं आता है पावर बीआई में अंदर, ये डेटा को आपके लाइव सिक्वल से जो सर्वर पे पड़ा हुआ है उस सर्वर से इसको कनेक्ट भी रखता है, क्योंकि डेट में सर्वर में किसी तरह की चेंजिंग हुई तो ये अपने आप को चेंज कर ले। बट इसके लिए आपके पास सिक्वल सर्वर होना चाहिए, सिक्वल सर्वर मिनिमम स्टूडियो आपके पास होना चाहिए, तभी आप एक कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। इसमें और भी चीजें की जा सकती है, क्यूरी लिखना, बाकी चीजें करना, उन सारे चीजों का भी इस्तेमाल यहाँ पे हम कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि एक बार में एक ही डेटाबेस ले सकते हैं, हम और भी डेटाबेसेस ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ हमने कहा किया गेट डेटा पे गए, इस बार मुझे मेरा डेटाबेस पता है, इस बार मुझे मेरा डेटाबेस पता है, यहाँ पे सिक्वल सर्वर नाम दिया और मैं आईपीटी का डेटा चाहता हूं, मैंने यहाँ पे आईपीटी डाल दिया। अब मैं जब ओके करूंगा तो देखेंगे सिर्फ आईपीटी का ही डेटा आएगा, अब बाकी डेटा बेसिस यहाँ पे नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है? सिर्फ आईपीटी का ही डेटा आपको दिख रहा है। जैसे डीटीए पे क्लिक किया तो देखिए आपका डीटीए का डेटा सिर्फ आया। अगर मैं यहाँ पे डीटी पे क्लिक करूं तो यहाँ पे देखिए डीटी का डेटा आया। अब डीटी को मैं यहाँ से इम्पोर्ट करना चाहता हूँ, तो सिलेक्ट किया एंड लोड किया। देखिए आ गया डीटी का डेटा, यहाँ पे डीटी का डेटा आ गया, यहाँ पे डेटा डाला। एक साथ कई डेटाबेसेस को आप लेके आ सकते हैं। तो डेटाबेस अगर नाम पता है तो डेटाबेस नाम जब डाल देते हैं तो उसमें क्या बेनिफिट होता है? बेनिफिट होता है आपका यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ और कनेक्ट करते समय यहाँ अगर मैं डेटाबेस नाम डाल दिया, तो अगर आपके सर्वर पे अगर मान लीजिए 1000 डेटाबेस है तो 1000 में ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सिर्फ आपका जो डेटाबेस है उसी डेटाबेस का पूरे के पूरे टेबल्स को शो करेगा, बाकी डेटा के टेबल्स को शो नहीं करेगा। एक बेनिफिट है, इसको आप लोग ट्राई कीजिए, आपके पास सर्वर होगा जिसको आप ट्राई करके देख सकते हैं, नहीं सर्वर है तो आपको एसक्यूएल सर्वर वाली क्लासेस को लेना होगा, जिससे आपको सिक्वल सर्वर के बारे में पता चले। थैंक यू।
रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड। और प्लीज मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, साथ में इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बाकी सारी रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिल सके। थैंक यू।